प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आपका आशीष सर। आज की वीडियो में हम चौदहवीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं और साथ ही मैं इसके आंसर भी सॉल्व करके आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और 6 अगस्त की है। प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो ध्यान से अंत तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको पुरानी वर्कशीट की वीडियो देखनी हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारी वीडियो पुरानी भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। हमारे अंदर, हम सबके, आपके सभी के अंदर बुराइयाँ होती ही होती हैं। सबसे अच्छा काम होता है उन बुराइयों को ख़त्म करना और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारे अंदर जो डर छुपा होता है उस डर को दूर करना। हम किसी भी काम को करने से पहले डर जाते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, तो उस डर को दूर करना भी साहस का काम होता है। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो डर के कारण कोई नया काम शुरू ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, कहीं फेल ना हो जाएं, इसलिए वो कोई काम शुरू ही नहीं करते। वो कहते हैं हमारे बस की ही नहीं है। देखो, प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है किसी काम को शुरू करना, प्रयास करना, कोशिश करना, कोई बात नहीं। ख़राब हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम असफल हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम फेल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, हमने कोशिश तो की, हमने ट्राई तो किया। ट्राई ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिले। कई लोग मोह, भेदभाव, स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो, यानी कि अपना ही नुकसान करके लोग, कई बार लोग मोह नहीं होता उन्हें, लोभ लालच नहीं होता, वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं और दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग ही बदलते हैं। ऐसे ही लोग जो अपना, मेरा, पराया इसकी चिंता नहीं करते, वो समाज में कुछ नया बदलाव लाते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती है एक गज़ल। तो चलिए इस गज़ल को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। हिम्मत करना, स्टार्ट करना, लेखक कहते हैं कि सबसे पहले वो अपने आप से शुरू करते हैं। वो दूसरों को नहीं देखते कि कोई लोग करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, सबसे पहले वो अपने आप से शुरू करते हैं, यानी कि अपने घर को ही जला करके आगे बढ़ते हैं। अपना नुकसान करके वो अपने नुकसान की चिंता नहीं करते। अधिकतर प्रश्न पहले और उनके बाद में उत्तर आते हैं। देखो, ये प्रश्न है ना आपके लिए, जब प्रश्न है तभी तो इनके उत्तर हैं। लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न के बाद प्रश्न और प्रश्न के बाद प्रश्न, यानी कि एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, इसी तरह से उलझते रहते हैं। परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। देखो भैया, पर यानी कि पंख, पंखों के बल पर तो पंछी यानी कि पक्षी आसमान में उड़ जाते हैं और अपने हौसलों को बुलंद करते हैं, क्योंकि उनके पास पर है, पंख है, हौसले हैं, हिम्मत है। पहाड़ों पर व्यथा कौन सी है, खाद पानी की। पहाड़ों से तो जो उग आते हैं ऊसर से निकलते हैं और ऊसर होती है ऐसी खेती जहाँ पर कि पौधा नहीं उगता। तो कहते हैं किसी पौधे के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है और खाद पानी जब उसे मिल जाए तो वो पौधा आगे बढ़ता है। उसी तरह हर इंसान को भी कुछ ऐसे खाद पानी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। अलग होती है उन लोगों की बोली और वाणी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं, मौके की तलाश करते हैं, हमेशा ट्राई करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, अब हम हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। भाई, हमने भी यत्न किया, कोशिश की, ट्राई किया आगे बढ़ने का और आज हम उनके बराबर नहीं बल्कि उनसे आगे निकल आते हैं। भैया, सब कुछ हो सकता है जब हम ट्राई करते हैं। जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते। मोती यानी कि कीमती चीज़ धरती में नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। अच्छे लोगों
महंगे लोग बड़े लोग ऐसे नहीं बनते, कुछ करना पड़ता है। हमेशा कीमती मोती कहाँ मिलते हैं? समुंदर में। यानी कि कीमती चीज़ के लिए प्रयास की ज़रूरत होती है, सफल बनने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो चलिए पहला यहाँ पर हम ट्राई करते हैं इस प्रश्न के आंसर को। और सबसे स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पर आपको शब्दार्थ दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। और पहला सवाल है, घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपने टिक का निशान लगाना है। तो इसका सही उत्तर है आपके लिए, अपने घर में आग लगा देना बिल्कुल नहीं, दूसरों के घर में आग लगा देना बिल्कुल नहीं, लोभ और मोह में पड़ना बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर है अपने घर को नुकसान पहुंचाना, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो चलिए बाकी सवालों के लिए मैं आपको आंसर तक ले चलता हूँ। तो इसका दूसरा सवाल है, हिम्मती या साहसी लोग क्या करते हैं? तो इसका उत्तर लिखोगे, हिम्मती या साहसी लोग हिम्मत करके सबसे पहले अपने अंदर से निकलते हैं बाहर, यानी कि सबसे पहले वो कोशिश करते हैं। हिम्मती लोग अर्थात किसी भी काम की शुरुआत वो खुद से करते हैं, वो ये नहीं देखते कि फलाना करेगा वो करेगा, वो सबसे पहली शुरुआत खुद से ही करते हैं। तीसरा सवाल, पंछी किसके बल पर आसमानों को नापते हैं? सिंपल सी बात है, पंछी परों यानी कि पंखों की सहायता से पूरे आसमानों को नापते हैं। भाई पंख होते हैं उनके पास, तो उन्हीं पंखों की सहायता से पूरे आसमान में उड़ते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। चौथा सवाल है, जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगाने के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है ना, पेड़ पौधों के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखो, जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगने या उगाने के लिए खाद और पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए सच्ची लगन, सबसे पहले लगन चाहिए और मेहनत हमने करनी है, अपने डर को बाहर निकालना है, हमें प्रेरणा और सहयोग की ज़रूरत होती है। जो डर है उसे दूर करना है और किसी भी काम को शुरुआत करेंगे तो वो काम ज़रूर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, हमें दूसरों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये लोगों गलत है, दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए। अब इसका आंसर है, हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने या उनसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्न करनी चाहिए, यानी कि कोशिश और मेहनत करते रहनी चाहिए। हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा कोशिश यानी कि ट्राई करना चाहिए और लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए, तो हम सफल ज़रूर हो जाते हैं। और छठा सवाल है, ये पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों का भाव आपने बताना है कि जो मोती हैं वह धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का भावार्थ है कि जैसे बेशकीमती चीज़ें यानी कि बहुत कीमती चीज़ें किसी खास जगह और परिश्रम से ही पाए जाते हैं, आसानी से नहीं मिलते, ठीक उसी तरह कठिन परिश्रम से ही इंसान सफल होते हैं यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और नई वीडियो आने वाली सबसे पहले मैंने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।